नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जिनके काम ही ऐसे हैं जिसकी वजह से उनकी चर्चा होना लाजमी है, चाहे वो पार्टी कार्यालय की बात हो या पार्टी के स्थापना दिवस की बात हो। वो हमेशा कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके वजह से विवाद खड़ा हो जाता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले उन्होंने एलआर ब्रांड नाम की एक कंपनी खोली और जिसके माध्यम से अगरबत्ती सहित अन्य चीजों को बेच रहे हैं। और ये भी खबरें आई कि अब भारत के अलावा दूसरे देशों में भी इस कंपनी का विस्तार किया जाएगा। हमेशा अपने बयान और अपने कारनामों की वजह से वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वृंदावन चले जाते हैं तो कभी बिहार में ही अलग अलग वेश में आपको दिखाई देते होंगे। आपको बता दें, उनका वीडियो टिकटॉक पर भी बहुत ज़्यादा फेमस था और काफ़ी वायरल हो रहा था। टिकटॉक बंद होने के बाद उन्होंने खुद बयान दिया था कि वो अदर ऐप, जो वीडियो बनाने वाले जो अदर ऐप है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव लगातार अपनी राजनीतिक बातों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, वो जगदानंद सिंह का मामला हो या अन्य मामला हो। अब तेज प्रताप यादव के बारे में ये कहा जाने लगा है कि लालू प्रसाद यादव के असली उत्तराधिकारी यही है। तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट से ऐसे कई फोटोज शेयर किए हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जो बने हैं, इसमें लिखा जाता है कि सेकेंड लालू तेज प्रताप यादव। इन दिनों एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का जो फोटो है लालू प्रसाद यादव के साथ, हमेशा आपको दिखाई देता होगा। तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव या माँ राबड़ी देवी के साथ काफी घुले मिले रहते हैं। जब भी वो दिल्ली जाते हैं या जब भी उनकी माँ बिहार आती हैं, तो तेज प्रताप यादव उनसे काफी करीब रहते हैं। यूं कहें तो तेज प्रताप यादव अपने परिवार में अपने पिता से काफी करीब हैं। अब उनका फोटो भी कई बार वायरल होते रहता है, राबड़ी देवी के साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए, लालू प्रसाद यादव के साथ बातचीत करते हुए। ये फोटो देखिए, इस फोटो में लालू प्रसाद यादव के साथ तेज प्रताप यादव की फोटो दिखाई दे रही है और एक ग्रुप है, सेकंड लालू तेज प्रताप यादव। इस ग्रुप में तेज प्रताप यादव का फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और तेज प्रताप यादव के फेसबुक पेज से यह फोटो लिया गया है। उन्होंने अपने फेसबुक ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उससे फोटो शेयर किया था और लिखा था उसमें, हमसे जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को लाइक और शेयर और फॉलो करें। आपको बता दें कि लगातार ये चर्चा में रहते हैं और इनका परिवार के साथ जो रिश्ता है काफ़ी क्लोज का है। तेजस्वी यादव के साथ अगर देखें तो वो लालू प्रसाद यादव के साथ इस तरीके का फोटोज या इस तरीके की बैठक करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। वो राजनीतिक चर्चा तो भले ही करते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव पारिवारिक चर्चा के साथ कई बार देखे गए हैं। अब आने वाले समय में जो बातें कही जाती हैं कि लालू प्रसाद यादव के असली उत्तराधिकारी तेज प्रताप यादव ही होंगे, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका लालू प्रसाद यादव से मिलता जुलता है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में राजनीति में क्या कुछ निकल कर सामने आती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी उस पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव खड़े नहीं उतर पाते हैं। बाकी सभी चीज़ों का तो अनुकरण भली भांति कर लेते हैं, लेकिन राजनीतिक अनुकरण अभी नहीं कर पाते हैं। अब आगे क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।